हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में। हाल ही में दोस्तों यूजीसी नेट जून 2023 से संबंधित एक नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या लाइब्रेरी साइंस में जो यूजीसी नेट की परीक्षा देना चाहते हैं, तो उसके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम यूजीसी नेट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, आयु सीमा क्या रखी गई, फीस क्या रहेगी, सिलेबस इसका क्या रहेगा, यानी कि अब की बार इसमें सिलेबस में कुछ चेंज हुआ है या नहीं, साथ में दोस्तों एग्जाम पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे, और साथ ही दोस्तों इसका जो एग्जाम है वो कब होगा और इसके लिए दोस्तों पासिंग मार्क कितने रखेंगे हैं के बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट जून 2023 की परीक्षा देना चाहते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट पीडीएफ शेयर किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यूजीसी नेट जून 2023 से संबंधित इम्पोर्टेंट डेट की बात करें, तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 10 मई 2023 से लेकर 30 मई 2023 तक चलेंगे। तो इसमें आप 30 मई 2023 से पहले आप आवेदन कर सकते हैं। एग्ज़ाम की बात करें तो इसके एग्ज़ाम 13 जून से स्टार्ट हो जाएंगे और इसके लगभग 22 जून 2023 तक इसके एग्ज़ाम चलेंगे। इसी के साथ दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात करें, तो यूजीसी नेट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, तो यूजीसी नेट के लिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी साइंस की बात करें, तो लाइब्रेरी में आपके पास एमलिब हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट का डाउट है कि इसमें अपेयरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो दोस्तों आपको बता दें कि जिन स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन या लाइब्रेरी साइंस में बीलिव किया हुआ है, या जिनकी एमलिव अपेयरिंग में या पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी अपेयरिंग में चल रही है, तो वह स्टूडेंट यहां पर अप्लाई कर सकता है। लेकिन दोस्तों आपको इसके लिए एक शर्त रखी गई, यानी कि आपका यूजीसी नेट का जो पेपर आपका क्लियर हो जाता है, उसके बाद में आपको ई सर्टिफिकेट दिया जाता है। जिस दिन से आपका ई सर्टिफिकेट जारी होता है, उस दिन के बाद दोस्तों 2 साल के अंदर अंदर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो जाना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों इसमें आपके कितने मार्क्स रखे गए, यानी कि यूजीसी नेट के लिए कौन कौन फॉर्म भरा सकता है, तो दोस्तों आपको बता दें कि जिन स्टूडेंट की पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है और कम से कम आपके जनरल की बात करें तो 55% मार्क्स हैं, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पर 50% मार्क्स रखे गए हैं। इसी के साथ दोस्तों आयु सीमा की बात करें, तो यूजीसी नेट के लिए यहाँ पर कोई भी आयु सीमा नहीं रखी गई है, यानी कि इसके लिए कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। लेकिन दोस्तों आप जेआरएफ की बात करें, तो इसके लिए आपकी 30 वर्ष एज रखी गई है। रिजर्व कैटेगरी के यहाँ पर आपको 5 वर्ष की अलग से छूट दी जाती है। साथ ही दोस्तों इसके एग्ज़ाम के बारे में बात करें, तो साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, जून और दिसंबर में। इसी के साथ दोस्तों फीस की बात करें, तो जनरल कैटेगरी के लिए 1100 रुपये फीस रखी गई है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी जो कि नॉन क्रिमिनल वर्ग से आते हैं, उनके लिए 550 रुपये फीस रखी गई है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर 275 फीस रखी गई है। साथ ही दोस्तों यूजीसी नेट यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो इसके लिए आप कम से कम कितने मार्क्स पासिंग मार्क रखे गए हैं, तो दोस्तों आपको बता दें कि जनरल के लिए 40% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 35% रखे गए हैं। लेकिन दोस्तों इसके अलावा आपको बता दें कि जो भी यूजीसी नेट के लिए जो जितने भी फॉर्म भरे जाते हैं, उसका ओनली 6% स्टूडेंट को ही यहाँ पर क्वालिफाई किया जाता है, यानी कि उन्हीं 6% स्टूडेंट को ही सर्टिफिकेट दिया जाता है। काफ़ी सारे बच्चों के डाउट हैं कि यूजीसी नेट की परीक्षा पास करने के बाद हम क्या करें, तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप लाइब्रेरियन के अलावा किसी अन्य पद पर आप यूजीसी नेट की परीक्षा दे रहे हो, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि आप कॉलेज में प्रोफेसर की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लाइब्रेरियन की बात करें, तो इसके लिए आप असिस्टेंट लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, काफ़ी सारे बच्चों के डाउट होते हैं, तो दोस्तों आपको बता दें कि इसके लिए आपके 2 पेपर लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। फर्स्ट पेपर आप किसी भी भाषा में दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट से संबंधित पूछा जाता है। इसी के साथ दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, तो इसमें आपके फर्स्ट और सेकंड 2 पेपर लिए जाते हैं। फर्स्ट पेपर की बात करें, तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, यानी कि 100 मार्क्स का यहाँ पर आपसे क्वेश्चन
पूछे जाते हैं। फर्स्ट पेपर की बात करें तो यह आपका सामान्य ज्ञान यानी कि सामान्य जीके से संबंधित रहेगा, जिसमें आपके लगभग 10 टॉपिक, जिसमें आपके सामान्य जीके से और कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल यहाँ पर 10 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक टॉपिक से यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि टोटल आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का यहाँ पर आपसे जो आपका एग्जाम है वो रहेगा। इसी के साथ दोस्तों सेकेंड पेपर की बात करें तो यहाँ पर आपको सेकेंड पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, यानी कि 200 मार्क्स का यहाँ पर आपका जो पेपर है वो रहेगा। सिलेबस की बात करें तो सेकंड पेपर आपका विषय से संबंधित रहेगा, यानी कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जिस विषय में किया, यानी कि हिस्ट्री या जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या लाइब्रेरी सब्जेक्ट से संबंधित किया है, तो जिस सब्जेक्ट से संबंधित आपने आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है, उस से संबंधित आपके सेकंड पेपर रहेगा, जिसमें आपके 100 मार्क्स पूछे जाएंगे। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि दोनों पेपर आपको एक ही दिन में लिए जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम सिलेबस की बात करें तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में क्या सिलेबस रहेगा, लाइब्रेरी की बात करें तो सेकंड पेपर में आपके लाइब्रेरी सब्जेक्ट से संबंधित क्या सिलेबस रखा गया है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि फर्स्ट और सेकंड पेपर का दोनों का सिलेबस हिंदी और इंग्लिश में जो PDF है वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिए गए हैं, तो उन सभी का PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। साथ ही दोस्तों इनकी ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जहाँ पर आप लॉगिन करके किसी भी सब्जेक्ट का संबंधित आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर आप सभी का सेम रहेगा, लेकिन दोस्तों सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट से संबंधित होता है, तो आप जिस भी सब्जेक्ट में आपकी जो PG कंप्लीट है उसी सब्जेक्ट से संबंधित आपका पेपर लिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि यह आपकी जो एग्ज़ाम है वो NTA द्वारा करवाया जाएगा, तो जो भी स्टूडेंट UGC नेट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, 10 मई 2023 से लेकर 30 मई 2023 तक आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। UGC नेट से संबंधित दोस्तों किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। खास तौर पर हमारे इस चैनल पर आपको लाइब्रेरी संबंधित जानकारी दी जाती है। आज की जानकारी दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।